आज का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं सेल्स के बारे में। अब अगर हम लोग सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स किसी भी बिजनेस के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, आमदन का जरिया होती है। अब जैसा कि आप सारे लोगों ने पढ़ रखा है, आप जानते हैं सेल्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है सेल्स जिनको हम लोग कैश सेल्स का नाम देते हैं और दूसरी हमारे पास आ जाती है क्रेडिट सेल्स। ये दो तरह की सेल्स हमारे पास चल रही होती है। अब अगर हम लोग बात करें कैश सेल्स के बारे में, कैश सेल्स क्या होती है तो ये आप लोग जानते हैं कैश सेल्स क्या होती है। आपने चीजें बेची, ऑन द स्पॉट आपको इसकी अमाउंट मिल गई, दैट इज कैश सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स क्या होती है, आपने चीजें बेची, आगे वाला आपको कहता है खरीदने वाला कि इसकी पेमेंट मैं आपको एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद करूंगा, मतलब ऑन द स्पॉट आपकी वो पेमेंट नहीं हुई तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्रेडिट सेल्स का। अब अगर बिजनेस जो है वो प्योरली रिलाय कर रहा है कैश सेल्स के ऊपर तो इससे क्या होगा, बिजनेस का जो प्रॉफिट है, सोर्स ऑफ इनकम या आप कह रहे हैं बिजनेस का जो मुनाफा है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बिजनेस कैश के ऊपर सेल्स कर रहा है तो उसका जो मुनाफा है वो लिमिटेड किस तरह से होगा, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि ये लिमिटेड किस तरह से होगा। अब अगर कोई भी बिजनेस के पास आता है आगे कहता है जी मुझे ये चीजें चाहिए, आप मुझे ये चीजें दे दें लेकिन मैं आपको इसकी पेमेंट एक महीने के बाद या दो महीने के बाद करूंगा, तो बिजनेस मैन कहता है कि नहीं हम लोग कैश के ऊपर सेल्स कर रहे हैं, आप कैश पे करेंगे अभी तो आपको चीजें बेची जाएंगी, अदरवाइज आपको चीजें हम लोग नहीं बेचेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर लेट्स से जो बायर आया उसने 1 लाख की या 2 लाख की चीजें आपसे बाय करनी है लेकिन आपने इनकार कर दिया कि हम लोग ये चीजें नहीं बेचेंगे, कैश पे करें क्रेडिट पे, मतलब हम लोग ये चीजें नहीं बेचेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं अगर बिजनेस प्योरली कैश बेसिस के ऊपर चल रहा है तो उसकी सेल्स या उसका जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जब बिजनेस क्रेडिट सेल्स करना शुरू कर देता है तो कैश सेल्स भी वो कर रहा है साथ में वो क्रेडिट सेल्स भी करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज किस तरह से होगा, अभी मैंने एग्जांपल आपको दी, अगर एक बायर आपके पास आया वो आपको कहता है कि मुझे 2 लाख की चीजें खरीदनी है, आप मुझे चीजें दे दे मैं आपको उसकी पेमेंट 2 महीने के बाद करूंगा, आप एग्री कर देते हैं ठीक है हम आपको पेमेंट कर चीजें जो है वो भेज देते हैं, आप इसकी पेमेंट 2 महीने के बाद कर देंगे। अब यहाँ पे आपका जो मुनाफा है वो तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे दूसरा अगर हम लोग इसका पॉइंट देखें, ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आ गया कि अगर बिजनेस क्रेडिट के ऊपर चीजें बेचना शुरू कर देता है तो उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है या आप कह रहे हैं उसकी सेल है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी बेस पे मुनाफा भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अदर साइड दूसरा इसका रुख देखें तो यहाँ पे बिजनेस जो है उसका आपके पास जो रिस्क ऑफ लॉस है वो भी इंक्रीज होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रिस्क ऑफ लॉस अगर बिजनेस क्रेडिट के ऊपर चीजें बेचता है तो उसको रिस्क किस तरह से होगा या लॉस किस तरह से होगा, तो चले हम लोग वो देखते हैं कि रिस्क ऑफ लॉस बिजनेस को किस तरह से होगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि ये चीजें जो है वो 2 लाख की बिजनेस सेल कर रहा है किसके ऊपर, क्रेडिट बेसिस के ऊपर। अब क्या आप श्योर है कि ये जिसको आप 2 लाख की चीजें पे कर रहे हैं ये आपको
ऑन द स्पॉट, जैसे आज आपके पास 7th मई है, 21 एक महीने के बाद 7th जून को जाके इसकी पेमेंट आपको मिलनी है 2021 को। अब क्या आप श्योर हैं कि ये 7 जून को जाके आपको इसकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी, इसका जो भी आपने 2 लाख रिसीव करना है वो मिल जाएगा? तो यहाँ पे आपके जहन में होगा कि यहाँ पे आपके पास 50% जो है वो चांसेस है, 50-50 है, शायद मिल जाए शायद ना मिले। तो यहाँ पे ये आपके पास एक रिस्क ऑफ लॉस आ जाता है कि शायद अगर पैसे ना मिले तो आपकी जो 2 लाख है वो आपका डूब जाएगा, उसकी बेस पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इससे बचने के लिए अगर तो यहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो नाउन है तो शायद आप जो है वो उसका उसको सेल कर दें, लेकिन अगर कस्टमर आपका अननोन है तो शायद आप उसको सेल ना करें। अगेन वही बात, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इफेक्ट होगा। तो अब इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा होता है कि अगर वो चीजें बेच रहा है तो वैसे नहीं आया कस्टमर उसने अगर जी मुझे 5 लाख चीजें दे दे, एक महीने के बाद आपको पैसे दे देंगे, आपने वो चीजें उसको बेच दी, आपने उसे कोई भी जो वो रसीद नहीं दी, कोई उसको इशू नहीं किया, बिल वगैरह आपने चीजें बेच दी, तो अगर तो आप ऐसे करते हैं तो आप जो है उसको आपका रिस्क ऑफ लॉस मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से रिस्क ऑफ लॉस से बचने के लिए बिजनेसमैन या सेलर जो है चीजें बेचने वाला है वो क्या कर रहा होता है, वो कोई ना कोई एविडेंस रिक्वायर करता है, वो कोई ना कोई सबूत मांग रहा होता है बाहर से कि मुझे कोई ना कोई एविडेंस दो कि तुम 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पैसे पे कर दोगे। तो जब आपके पास एविडेंस आ जाएगा तो उसकी बेस पे क्या होगा, आपके पास एक वाजे सबूत होगा कि फला बंदे को आपने फला डेट के ऊपर चीजें बेची थी, उसने फला डेट को पैसे पे करने का एग्रीमेंट किया है, वायदा किया है, तो उसकी बेस पे फिर आपका रिस्क ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपकी जो सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो अब ये एविडेंस क्या होता है, ये प्रूफ कह लें सबूत कह लें क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बेसिकली आपकी जो एविडेंस है ये एविडेंस आपके पास क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, जिसकी बेस पे आप अपने कस्टमर को क्रेडिट के ऊपर सेल्स कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो एविडेंस किस तरह से होता है, तो चले हम लोग इसको देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। अब यहाँ पे घर से हमारे पास 2 पार्टीज हैं, इनको हम लोग नाम दे देते हैं ए का और दूसरे को हम लोग नाम दे देते हैं बी का। अब इनको हम लोग करेक्टर अलॉट कर देते हैं, ए को हम लोग क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है सैलर है, और बी को ये हमारे पास करेक्टर अलॉट कर दिया, ये बी हमारे पास क्या है बाय है, मतलब ए जो है वो चीजें बेच रहा है, बी चीजें वसूल कर रहा है। अब ये चलने से पहले आपको बताता चलूं कि जब भी हम लोग कैश बेसिस के ऊपर चीजें बेच रहे होते हैं उस टाइम पे आपको किसी किस्म का कोई भी एविडेंस उसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपने चीजें बेची और उसी टाइम आपको पैसे मिल गए। ये अभी जो सारा सिनेरियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो आपका किस केस के अंदर होगा, जब आप चीजें क्रेडिट बेसिस के ऊपर बेचें। अब यहाँ पे जो सेलर है वो बाहर को चीजें बेच देता है उधार पे, फ्लैट से हम लोग कह रहे थे 10,000 की चीजें सेलर ने बाहर को बेच दी है, आज डेट जो है वो हमारे पास 7 में है उसके ऊपर। अब चीजें बिक गई, अब यहाँ पे सेलर क्या करेगा,
चीजें तो इसने बेच दी हैं, लेकिन अब इसको एक एविडेंस की, एक प्रूफ की जरूरत है जो वो बायर से डिमांड करेगा। अब यहाँ पे आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्क करता है। तब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जब ए ने चीजें बेच दी बायर को, अब सेलर जो है उसने भी इस चीज को अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है, और बायर जो है उसने भी इस चीज को अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। ये अपने पास सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा, ये बी जो बायर है ये अपने पास इसको एज अ परचेज रिकॉर्ड कर लेगा। ये एंट्रीज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखी है कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सेलर्स, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं जी बायर। ये बी आपके पास है, ये आपके पास ए है। अब यहाँ पे सेलर अपने पास क्या एंट्री कर देगा, इसने चीजें बेची हैं सेल्स की हैं, तो सेल्स हमारे पास अकाउंट, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये चीजें बेच किसको रहा है, उधार पे बेच रहा है, भी जो हमारा डेटर बन रहा है इसको भी अकाउंट जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 10,000 के साथ। ये आपके पास एंट्री बाजे की सेल की जो सेलर कर रहा होगा। अब बायर इसकी अपने पास एंट्री क्या कर रहा होगा, जब बायर चीजें परचेज करेगा तो जारी बात है इसने अपने पास परचेज की एंट्री करनी है। ये परचेज अकाउंट अपने पास क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और साथ में जो चीजें परचेज किससे कर रहा है ए से, तो ये एक अकाउंट को अपने पास क्रेडिट बना लेगा 10,000 के साथ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। यहाँ पे ये फर्स्ट एंट्री ऑलरेडी आप लोग इसको सीख चुके हैं किस तरह से करनी है। इसने अपने पास सेल्स की एंट्री कर दी, इसने अपने पास बायर बी एंट्री कर दी, ये आपके पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखते हैं जी बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क किस तरह से कर रहा होता है, काम किस तरह से करता है। इजी तो यहां पे हमारे पास आ गया, ये क्या करेगा, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो निकलेगा, कुछ इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होती है, ये साथ में नीचे सेलर का नाम, बायर का नाम, ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा होता है, ये साथ में आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब ये मार्केट से आपको प्रिंटेड रिसीट्स भी मिल जाती हैं, वहां से भी आप प्रिंटेड सीट है उसके ऊपर सेलर का नाम भी आ गया, बायर का नाम भी आ गया, तो ये सारा कुछ इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। अब ए ने ये सारा कुछ लिख लिया, अब यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि जो लिखने वाला है, जो सेलर है वो उसको लिख रहा है, तो सेलर जो लिखने वाला होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ड्रा। इन शॉर्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्रा कौन है, वो बंदा या वो इंडिविजुअल जो बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट डाउन कर रहा होता है, लिख रहा होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं ड्रा। अब दूसरी तरफ ये ए जो है, जो ड्रा है, ये किसी के नाम पे बिल लिख रहा होता है। अब जिसके नाम पे ये बिल लिख रहा होता है, मतलब तो जिसको ये इनवॉल्व कर रहा होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं ड्राइवर। अब यहाँ पे ए बिल किसके नाम पे लिख रहा है, बायर के नाम पे, बी पे, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे ड्राइवर। तो यहाँ पे जो बिल को लिखने वाला है वो हमारे पास क्या आ गया, ड्रा, और जो बिल एक्सेप्ट करने वाला होगा, कबूल करने वाला होगा, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ड्राइव। अब यहाँ पे जस्ट ए ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया, इसकी कोई भी आपके पास लीगल वैलिडिटी नहीं है। क्यों इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक जिसको आपने चीजें बेची हैं उसका कोई
साइन नहीं है उसके ऊपर, उसका कोई भी सिग्नेचर वगैरह रिकॉर्ड नहीं है, ना ही उसने अभी तक उसको एक्सेप्ट किया। तो अब क्या होगा, ये ए जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसको देगा, बायर को देगा, जिसको हम लोगों ने ड्राइव का नाम भी दिया है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास आ देगा। अब ये बी अब क्या करेगा, बिल के ऊपर लिख देगा एक्सेप्टेड या एक्सेप्टेड, कुछ इस तरह का वर्ड लिखेगा कि मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज है इसको कबूल कर लिया। अब क्या होगा, इसकी लीगल वैलिडिटी बन गई है कि ये बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया साथ इसने अपने साइन कर दिए, ये जी बिल अमाउंट के ऊपर ड्रा हुआ है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं लायबल हूँ इसकी पेमेंट करने के लिए। अब जब बी इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी आपके पास लीगल वैलिडिटी बन जाएगी, मतलब अब ये आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अब क्या होगा, ये बिल अपने पास नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद जो ए है सेलर है वो इससे बिल वापस डिमांड करेगा, वापस इससे बिल ले लेगा। अब ये बिल इसके पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब ए ने या सेलर ने बिल ड्रा किया तो वो अपने पास उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, और जब बी जो है उसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो अपने पास इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे आगे चलने से पहले चीजें बेची किसनी है, ए ने, इसका मतलब है ए ने बिल को क्या करना है, इसने पैसे वसूल करने हैं, इसने पैसे लेने। अब बी क्या करेगा, इसने पैसे पे करने हैं क्योंकि चीजें इसने क्या की हुई हैं, रिसीव की हुई हैं, चीजें इसने खरीदी हुई हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर। ये अपने पास जब बिल बी ने एक्सेप्ट किया वापस ए के पास आ गया तो ए इसको अपने पास एज अ बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेगा, और बी ने इसके पैसे पे करने हैं तो ये इसको अपने पास एज अ बिल पेएबल रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जब सैलर अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगा तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को अपने पास डेबिट कर लेगा, इसको अपना एसेट बना लेगा, एसेट रिकॉर्ड कर लेगा। और ये बिल इसने रिसीव किससे करना है, बाय से, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, बी का। तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000 से इसने ये बिल अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी तरफ इसने आप पैसे पे करने हैं, इसकी लायबिलिटी बन रही है कि इसने अमाउंट पे कर दिया, तो ये बिल पेएबल को अपनी लायबिलिटी बनाएगा 10,000 के साथ, और ये इसने पे किसको करना है, ए को, सेलर को इसने वापस करना है, तो ये ए अकाउंट को अपने पास क्या कर देगा, डेबिट रिकॉर्ड कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ, सैलर ने इसको अपने पास एज अ बिल रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया, बायर ने इसको अपने पास एज अ बिल पेएबल रिकॉर्ड कर लिया, इसने पैसे वसूल करने हैं, इसने पैसे पे करने हैं। अब जो भी इन दोनों के दरमियान टाइम डिसाइड होता है वह एक महीने का होता है, दो महीने का होता है, तीन महीने का होता है, उसके बाद इसने जो है वो पैसे वापस कर देने होते हैं। नॉर्मली ये 3 months का बिल होता है, 90 डेज का है, 90 डेज के लिए बिल ड्रा किया जाता है। अब क्या होगा, 3 महीने के बाद कुछ दिन जो है वो दिए जाते हैं सैलर की तरफ से बायर को कि ये एडिशनल जो है आपके पास दिन है, ये आपने जो है वो इसकी पेमेंट मुझे कर देनी है। नॉर्मली 3 डेज होता है जिनको हम लोग ग्रेस डेज के नाम से जानते हैं। अब जब टाइम पीरियड आ जाएगा, सैलर क्या करेगा, ये जो बिल इसके पास पड़ा होगा, जो ड्राइव ने एक्सेप्ट किया होगा अपने पास, उसको क्या करेगा, ये बिल बायर को दे देगा। बायर क्या करेगा, बिल को देखेगा, हाँ जी मैंने पैसे पे करने हैं, मैं आपको पैसे पे कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब ये पैसे वसूल कर लेगा, इसने पैसे वसूल करने हैं, ये बिल इसके पास निकल के किसके पास चला जाएगा, उसको अपने पास संभाल के रखता है, फाड़ देता है, ये उसकी मर्जी है। अब जब
पैसे इसको मिल जाएंगे सैलरी को, ये इसको अपने पास किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा, इसको 10,000 मिल जाएंगे। अब बिल रिसीवेबल जो था इसके पास था वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया, ये इसके पास नहीं रहा, ये अब फर्दर इसकी अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता। तो जब ये इसके पास बिल ही नहीं आया, बिल खत्म हो गया, इसके हाथ से निकल गया, मतलब ये अब बिल का ऑर्डर नहीं रहा, तो ये अपने पास बिल को क्या कर देगा, क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर देगा कि ये बिल अब मेरे पास मौजूद नहीं। अब क्या होगा, बायर इसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगा, बायर के पास ये बिल आ गया, बायर बिल को फाड़ देता है, अपने पास संभाल के रख लेता, ये उसकी मर्जी। ये जब इसको अपने पास रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ पे भी ये बिल को जनरेट कर देगा, क्योंकि अब बिल खत्म हो गया, उसकी जो मेजोरिटी थी वो आ गया, उसने पैसे पे कर दिए, उसको अपने पास रिकॉर्ड। अब ये कैश पे कर रहा है, जब ये कैश पे कर रहा है तो ये इसको अपने पास क्या कर देगा, क्रेडिट रिकॉर्ड कर देगा। तो ये मेजोरिटी के ऊपर डाल के आपका बिल जो है वो इसको हम कहते हैं कि फाइनल हो गया, उसने पेमेंट कर दी। तो ये सिंपल सा आपके पास प्रोसीजर था कि किस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज आपका काम कर रहा था। अब अगर हम एग्जाम्स के हवाले से बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता। अब इसकी इतना टिपिकल नहीं है, अगर आपको इसकी जनरल एंट्रीज आती है तो आसानी से आप इसका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह से।